तुमने क्या कहा? तुम्हारी बहन के ससुराल वालों ने उसे मार करके भगा दिया है। लला गरीब होने वजह से दहेज न दे पाई, दहेज के लिए मेरी बहन को ठोकर मार के मार गई, ससुराल से निकाल दिया गया। हमारे घर में खून क्या सुबारी लला, हम इसी से लाला हो लेके नाते थे। गांव में गरीबों को समझाया करता हूँ, देखो भैया अपनी बहन बेटी की शादी करो कभी तो बराबरी में करो, घर में खाने को दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अब तरक्की के मारे तुम बड़े खानदानों में शादी करो, दहेज दे ना पाओ तो खाम खा जाएगी, तुम्हारी जाएगी, भगाई जाएगी, जलाई जाएगी, अरे गायब कर दी जाएगी, फिर कुछ कहेगा? अजय बताओ, वो अभी मरी तो है नहीं। अरे कैसी बातें करते हो लल्ला, हाँ मेरे कलेजे का टुकड़ा है, आप मेरी बहन के भरे में कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहन ममता भी मरी तो है नहीं, वो घर में है कि नहीं है? तो ऐसा करो, थोड़ा बुद्धि से काम करो, इसी जगह से वापस जाओ, गांव में कुछ बुजुर्गों को पहले रूखे लोगों को बुला लो, उसकी फारगती करवाओ, दोस्ती का भेज दो, बात खत्म। लल्ला कोई हमारी बहन तवायफ नहीं, जब मैं से छुड़ा के दूसरे घर में भेज दो, हम अपने बकाए नब्बे हजार रुपए लेने हैं लाला। लगता है कि दो चार घंटे माल कर अभी तुम्हें भगाना पड़ेगा, पुलिस बुलवाऊंगा। बुलाओ लाला, बुलाओ जिसे बुलाना हो, आज मेरे रुपया लेकर के जाओ लाला, आज मेरे रुपया लेकर के जाओ। अरे पुलिस, क्या बात है उधरा? क्या तुम्हारा लाला क्या लफड़ा हो रहा था? साहब मैंने अपनी बहन के ब्याह में लाला के पास दो बीघे जमीन एक लाख तक गिरवी रखा था, हम मन पड़ा आदमी थे, लाला ने मेरा गोठा लगवा लिया, उस वक्त लाला ने हमें 10,000 रुपया दिया था, 90,000 रुपये लाने का वादा किया था साहब। वही तो तुम्हारा नाम क्या था? रजन। हम अपनी बहन के ब्याह का दहेज न दे पाई, दहेज के लिए मेरी बहन को मार के घर से निकाल देगा साहब, तब तो बहुत बुरा हुआ, हमारे घर में खून का आंसू बह रही है, मेरे 90,000 रुपये दिला दीजिएगा साहब। देखो राजन, अगर तुम्हारा पैसा लाला के पास है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा एक एक पैसा दिलाने के बाद ही मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, समझ गए ना? हाँ साहब। राजन भैया घबराना मत, मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी एंड टोपी वाले है, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके जाऊंगा, अगर तुम्हारा रुपया लाला के पास है तो मेरा वादा है मैं दिला कर तभी जाऊंगा, घबराना मत। चलिए नमस्ते सर, नमस्ते। अगर आप इस समय मौके पे ना जाते तो एक गुंडा लफंगा हमारा गला दबा करके हमारी जान को ले लेता। वो तो लाला तुम्हारा राजन क्या लफड़ा हो रहा था? कोई लफड़ा नहीं सर, कोई लफड़ा नहीं है। हाँ ये हमारे पास आया, इसके बहन के घर बारात आने वाली थी, ये आया हमारे पैर पकड़ लिया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हमने गरीब समझ करके 1,00,000 इसे दे ही दिए, लेकिन मैं कहा जानू सर, 1,00,000 ले जा करके जुआबाजी शराबबाजी लंडीबाजी में उड़ा दिया। अच्छा ये बताओ, ये बार बार हमारे पास आता है कि हमारे पास रुपयों के पेड़ लगे हैं जो हिला करके इसे दे दूं, जो कि जा करके बराबर ये सारा यात्री करे। वो तो लाला इतनी दर्ज की मशीन नहीं चलते जितनी कि तुम्हारी दीवार चलती है। बात करने का हाइब्रिड यानी कि इतनी रेंथ है। लाला साफ साफ बताओ कि तुमने राजन कितने रुपए दिए? 1,00,000 सर, 1,00,000। 1,00,000 तुम्हारे पास कुछ लिखा पड़ी वगैरह? मुनीम जी खाता खोल करके साहब को दिखा दो, इसमें तो साफ साफ लिखा है, अंगूठा भी लगा है, राजन सनाफ सीताराम उलदेव घोरू। कहकर कथा कह रहा है तू? अरे मैं 1,00,000 रुपया ले गए, मैं अनपढ़ हूँ। हम अनपढ़
बंतीलाल जरा इधर आ, इसमें तो देख साफ साफ लिखा हुआ है राजन सनाफ सीताराम गुरु उसके परदादा हैं, और इसमें यह भी लिखा है कि 1,00,000 रुपया दिया गया है, और यह अंगूठा निशानी किसका लगा है? यह अंगूठा निशानी उसी राजन का है। यार लिखा पढ़ी तो लाला की बिल्कुल सही है, फिर भी लाला की बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यही बात उनको शक लग रहा है, क्योंकि लाला को सारा इलाका जानता है कि कितना मक्खी चूस लाला है। ए लाला इधर आओ, विश्वास हो गया कर, विश्वास हो गया, अरे झूठ बोलने से फायदा क्या? वैसे कोई सरकारी स्टाम्प तो है नहीं, और लिखा पढ़ी वैसे तुम्हारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस पे तो लिखा हुआ कि तुमने राजन को 1,00,000 रुपया दिया है, और क्या? फिर भी लाला मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्यों? ए लाला, टेढ़े को सीधा करना, सीधे को टेढ़ा करना काम हमारा है, इसी से इंस्पेक्टर शंकर सिंह घुसखोर नाम हमारा है। साफ साफ बताओ कि तुमने राजन को कितने रुपए दिए हैं? 1,00,000। फिर वही बात, और क्या? सही बोल रहे हो, बिल्कुल सच की बात। फिर भी तेरी बातों पर मुझे विश्वास लाला नहीं हो रहा है कि तूने राजन को 1,00,000 रुपया दिया होगा। लिखा पढ़ी का विश्वास नहीं है ना? तो कहो तो कसम खा, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी कसम, बंसीलाल कसम खा के बताओ, तुम्हारे बाल बच्चों की कसम हम ले लिया है, तू साला हमारी कसम खाता है? हम मर जाए साहब के बाल बच्चे मर जाए, साहब मर जाएंगे इनका घर का VCR टूट चला। अबे साले लाला त्रिकुट की औलाद, तू साला हमारी झूठी कसम खाता है, सारा का सारा माल तो तला अकेला हड़प करना चाहता। ऐसा ज्यादा नहीं, चाय पीने के लिए 20,000। आराम से डालो लाला, आराम से, वो जल्दी नहीं है। ए लाला, अगर यही काम तुम पहले कर देते तो हमारा अंतल तुम्हारे ऊपर नहीं उठता। अब बोल लाला, तू चाहता क्या है? इस गरीब को ऐसे खेत में फंसाओ कि बहुत दिनों के लिए सारा जेल चला जाए, अगर कभी छूट करके भी आवे तो बिल्कुल भीगी मिल लिया। ठीक है, मैं तेरे कहने का मतलब समझ गया, जो कि हमारी तरफ हमारी हवेली तरफ ये नजर न करे। लाला तो चिंता मत कर, इतनी धारा लगा के साले को अंदर पेलूंगा कि जब जेल से छूट के वापस कभी आएगा तो तुम्हें और तुम्हारी हवेली की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं। बंतीलाल बुला राजन को, बुला राजन। कैसे साहब? तो लाला ने तुम्हें कितने रुपए दिए? 10,000 साहब। लाला के खाते पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तू लाला से 1,00,000 रुपया लेकर गया है। नहीं साहब, लाला ने हमें 10,000 रुपए दिया था, बाकी 9,000 रुपए लाने के लाला ने वादा किया था साहब। इस जमाने में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि बिना रुपया लिए ही अपना अंगूठा उसके खाते पे लगा देगा। तू साला लाला को चोर बेमान बता रहा है, लाला को धमकी दे रहा है। नहीं साहब, लाला इंसान नहीं बल्कि शैतान ही, जब तक लाला गांव में जिंदा रहेगा कोई गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा, ना तो किसी गरीब की बेटी की डोली उठेगी। ये बेईमान है, ये मकार है साहब, गुंडा लफंगा कहीं का मेरे सामने इतने ऊंचे स्वर में बात करता है, गुंडाई का प्रतीक तेरे साले सकल से झलक रहा। लाला आज तेरी वजह से, आज तेरी वजह से गरीब की बर्बादी हो रही लाला, लेकिन याद रखना जिस दिन मेरी रिहाई होगी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लाला ले जाओ, हे लाला हमारी बात तो कान खोल के सुन ले, अगर हमारा हफ्ता तुम बराबर पहुंचाते रहोगे ना तो हमारी मोटरसाइकिल और तुम्हारा काला धंधा बराबर चलता रहेगा,
अगर इस बार तुमने हमारा हफ्ता लेट में भेजा तो हमें तकले तले में तुम्हारा काला धंधा तेज कर दूंगा। शरण बराबर आपका हफ्ता पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि गरीबों की जमीन पूरी की पूरी हम हड़प कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बंतीलाल इधर आ। ये साला लाला एक नंबर का मक्खी चूस लाला है। मक्खी चूस सारा इलाका इसके बारे में जानता है। ये 3 के 13 बस होता है साला, समझ गए? तुम इसे जितना गर्म करोगे उतना तुम्हें माल मिलेगा। तब तक थाने में बैठ के मैं राजन का चालान बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आना, समझ गए ना? ठीक है। समझ किया सर, समझ किया, समझ किया, समझ किया। मुनीम जी, ओ मुनीम जी, साहब के पिता ने हमारे जूते बनाए थे, 5 रुपए बाकी हैं, दे दे। क्या? मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी एंड टोपी वाले, मैं जात का ब्राह्मण हूँ। ये साला हमको मोची बताना। हम मोची हैं। अरे एक क्यावन ले लो, एक क्यावन और क्या? हमारे घर में क्या न्योता खाने आए हैं? कह रहे हैं सुन लेना, 1 घंटे के अंदर 5,000 रुपया और 12 किलो मुर्गा थाने को आना चाहिए। यानी था मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी एंड टोपी। देखो देखो, बात बहुत टाइट, हमने पहले ही बता रहा था, इनका हफ्ता जरूर पहुंचा दो, किसी प्रकार से पहुंचा दो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है लाला जी। शाम के 4 बजे ही खाता सील कर दो, आओ आराम करते। ठीक है लाला जी। मैंने लाला से 5,000 रुपया 12 किलो मुर्गा लिए, कम पड़ेगा तो फिर साले के पास जाएंगे, अब बॉडी अच्छी तरह से बनेगी। हाँ साहब, हम लोग मुर्गा मसलम खाके तो बॉडी बनाते हैं। इसी से तो कहते हैं, कहीं लकड़ी की गाड़ी, कहीं बकड़ी की गाड़ी, कहीं भूसा की गाड़ी। हाँ साहब, सही कहा तुमने, इसी से कमाएंगे, नहीं तो बाल बच्चे क्या चलेंगे। थाना कोई खाला जी का घर है, कुछ चली आ रही, क्या बात? अरे बंसीलाल। हाँ सर। जरा वो तो उससे कायदे से बात किया करो भाई, पूछो उससे वो कौन है, क्यों थाने में आई है, क्या बात है, किस लिए आई है? मैं अपने पति की जमानत के लिए आई हूँ। तुम्हारे पति का क्या नाम है? मैं नाम नहीं ले सकती। नाम नहीं? आजकल नाम लिया जाता है, अगर नाम नहीं लोगे तो मैं कैसे क्या जानूंगा कौन तुम्हारा पति है? बहुत कैदी बंद है, बहुत 76 में बंद है, बहुत दफा 60 में बंद है, बहुत सारे दारू बनाते हैं बंद है, बहुत सारे डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, साले चोर चुराते हैं, साले सब बंद है। साहब, जो अभी भी आप पकड़ के लेकर आए हैं? अभी अभी हाँ, अभी अभी मैंने 5 कैदियों को पकड़ के लाया हूँ। 5 में से नाम जानते हैं? और राजन को पकड़ के लाए। अगर बड़े बदमाश होंगे तो उन्हें छुड़ाने के लिए औरत आएगी। राजन को लाए हैं, राजन और राजन की पत्नी हो? हाँ साहब। अच्छा ठीक 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 साहब, राजन की जमानत के लिए आई है। ठीक है ठीक है, इससे 500 रुपए ले लो। 500? बिल्कुल ठीक। तब तक राजन की जमानत पेपर में तैयार करता हूँ। ठीक है।
आप 500 रुपया निकालिए, तुम्हारे पति की जमानत मंजूर हो जाएगी। क्या 500? हाँ लेकिन मेरे पास तो 500